नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेस्टिंग ऑफ मेजरमेंट मॉडल। तो दोस्तों, दो तरीके हैं हमारे पास, वन वे और टू वे। या तो हम डायरेक्टली जो हमारा ये मॉडल है स्ट्रक्चरल मॉडल, इसको स्पेसिफाई करें और इसकी जो वैलिडिटी है वो फाइंड आउट कर लें, या दूसरा ये है कि हम लोग शुरुआत से, जो कि सही मेथड भी है, सबसे पहले हमें जो मेजरमेंट मॉडल है उसे टेस्ट करना है, और उसके बाद जब मेजरमेंट मॉडल के रिजल्ट सही आ जाएंगे उसके बाद फिर हमें स्ट्रक्चरल मॉडल को परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, अभी जो पिछले लेक्चर में हमने जब कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज किया या मेजरमेंट मॉडल को टेस्ट किया, एक ही बात है, तो उसमें हमने चार स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था। और यहां हमें एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जब ये चारों जो स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं, जब ये बिल्कुल फुलफिल हो जाएंगे, इनके रिजल्ट सही आएंगे, तभी हम फाइनली अपने स्ट्रक्चरल मॉडल को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा मेजरमेंट मॉडल, ये जिसमें लिखा है हमने असेसिंग वैलिडिटी ऑफ द टीपीबी का मतलब है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। दोस्तों, हमने जो केस लिया है वो है, हम जो मॉडल है हमारा वो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के बेस है, तो इसमें टीपीबी का मतलब है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। तो पहले हमें ये जो वैलिडिटी थी, वैलिडिटी हमने चेक की थी और इसकी गुडनेस ऑफ फिट भी हमने चेक किया था। गुडनेस ऑफ फिट के लिए हमने, जो हमारे पास तीन अलग अलग मेथड हैं गुडनेस ऑफ फिट मेजर करने के लिए, वो हमने चेक किए थे। जैसे एक फर्स्ट है एब्सोल्यूट फिट मेजर्स, इंक्रीमेंटल फिट मेजर्स और पार्सिमोनियस फिट मेजर्स, ठीक है। तो इसमें भी हम, जो हमारा स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल होगा उसमें भी हम यही चीजें, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो जब चारों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तभी हम अपने फिफ्थ स्टेप और सिक्स्थ स्टेप पर आते हैं। अगर मान लीजिए हमारा मॉडल जो है, ये मेजरमेंट मॉडल जो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के ऊपर बनाया है हमने, इसके रिजल्ट्स अगर वैलिड नहीं आते हैं, तो हमें इस मॉडल को दोबारा से रिफाइन करना होगा। और उसके कई तरीके, या तो हम पूरा अपना डेटा चेंज कर दें, या नया डेटा हम लें, या कुछ वेरिएबल्स को हम हटा के या इंक्लूड करके हम लोग फिर से अपना मेजरमेंट मॉडल बनाएंगे और फिर उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। अगर वैलिडिटी सही है तभी हम स्ट्रक्चरल मॉडल की जो वैलिडिटी है वो फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है हमारा जो मेजरमेंट मॉडल है, ये तो कोवेरियंस, मतलब इसमें हम लोगों ने कोवेरियंस निकाला अमंग दी जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स थे। थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में पांच कंस्ट्रक्ट्स थे, तो उनके बीच में हमने कोवेरियंस फाइंड किया था। इसमें क्या है, ये डिपेंडेंस रिलेशनशिप। देखिए, ये इस जो स्ट्रक्चरल मॉडल है, जैसे हम इसको देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल मॉडल है। पहले वाले में तो पांच के पांच हमारे जो कंस्ट्रक्ट थे वो, उनको हमने एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट ट्रीट किया था, और अब जो है इसमें हमारे पास एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस दोनों ही तरीके के हमारे पास वेरिएबल्स होंगे या कंस्ट्रक्ट जिसे हम कहते हैं। तो इस फर्स्ट जो फिफ्थ स्टेज है हमारी, तो दोस्तों जब हमने चार स्टेज कंप्लीट कर ली, तो पांचवी स्टेज में हमें ये देखना है कि जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट अभी हमने प्रीवियस स्टेज में माने थे, उसमें से कि एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट कौन से हैं हमारे और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट कौन से हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग, ये तो हमें लिटरेचर रिव्यू से पता ही चल जाता है, जो प्रीवियस रिसर्च हुई है, जैसे ये वाला थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर का मॉडल है, इसमें हमें पता है कि तीन हमारे पास एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं। जैसे एक है एटीट्यूड टुवर्ड परचेजिंग, और दूसरा है एटीट्यूड, इसके बाद है सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, परचेज इंटेंशन, परचेज बिहेवियर। तो ये टोटल पांच हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स हैं, जिसमें से तीन हमारे पास जो है ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, और ये हमारा है एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि परचेज इंटेंशन डिपेंड ऑन एटीट्यूड, डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव नॉर्म्स, डिपेंड ऑन परस्यूड बिहेवियर कंट्रोल, फर्दर परचेज बिहेवियर डिपेंड ऑन परचेज इंटेंशन। तो अभी ये जो एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है,
ये परचेज बिहेवियर कंस्ट्रक्ट के साथ जब हम इसकी रिलेशनशिप देखेंगे तो ये वाला हमारा अब एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट बन जाएगा परचेज बिहेवियर की रिलेशनशिप में। ठीक है, अब इसमें कितनी रिलेशनशिप हो सकती है, एक तो ये है एक हाइपोथेसिस। अभी जो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस या मेजरमेंट मॉडल की हमने जो टेस्टिंग की है उसमें हम कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम केवल और केवल स्ट्रक्चरल मॉडल में ही करते हैं। तो पहला वाला है देखिए ये H1, H2, H3 किसने हमारे पास रिलेशनशिप बन रही है। एक तो है हाइपोथेसिस कि हम ये कह सकते हैं एटीट्यूड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू परचेज इंटेंशन, मतलब एटीट्यूड जितना ज्यादा अच्छा होगा परचेज इंटेंशन उतनी ज्यादा होगी। तो परचेज इंटेंशन डिपेंड है किसके ऊपर, एटीट्यूड के। फिर सब्जेक्टिव नॉर्म्स पॉजिटिवली रिलेटेड टू परचेज इंडक्शन इंटेंशन, तो अगेन ये भी डिपेंड है परचेज इंटेंशन किसके ऊपर, सब्जेक्टिव नॉर्म्स के ऊपर। और थर्ड जो हमारा एक्सोजीनियस वेरिएबल है वो है परचेज बिहेवियर कंट्रोल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और परचेज इंटेंशन ये हमारा एंडोजीनियस और ये एक्सोजीनियस, मतलब ये एंडोजीनियस वेरिएबल जो होते हैं इक्वलेंट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये डिपेंड है। तो और एक फाइनली जो हमारी हाइपोथेसिस बनी है कि परचेज बिहेवियर डिपेंड ऑन परचेज इंटेंशन। ठीक है, तो ये चार हाइपोथेसिस है, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा हमारा कैसे कलेक्ट किया है। ये दोस्तों स्केल है, जैसे हमने पिछली बार भी बताया ये पांच जो हमारे कंस्ट्रक्ट हैं और इनको हमने 1 to 7 पर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक तो एब्सोल्यूट फिट मेजर्स फाइंड आउट करेंगे जिसमें GFI, AGFI इस तरीके से, फिर इंक्रीमेंटल फिट मेजर्स देखेंगे, फिर पार्सिमोनी फिट इंडेक्स देखेंगे, और इनकी वैल्यू जो है 0.9 से ज्यादा होनी चाहिए तभी हम कहेंगे कि जो गुडनेस ऑफ फिट है मॉडल की वो अच्छी है, मतलब ऑब्जर्व्ड और जो एस्टिमेटेड जो वैल्यूज हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है कम है, और हम चाहते हैं कि ये जो एरर है कम होना चाहिए। तो जितना एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑब्जर्व्ड कोवेरियंस मैट्रिक्स के इक्वल होगी, हम कहेंगे कि हमारा मॉडल ज्यादा अच्छा है। और जितना इसका एस्टिमेटेड कोवेरियंस मैट्रिक्स की वैल्यू और ऑब्जर्व कोवेरियंस मैट्रिक्स की वैल्यू से जितनी अवे होगी, हम कहेंगे मॉडल हमारा उतना ही पुअर है। क्या अब हम बनाते हैं दोस्तों, देखिए ये डायग्राम, ये हमारे पास है, ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहां पर हमारे पास एक तो वेरिएबल ये है, इसको हमने कॉपी किया, ये देखिए कॉपी, तीसरा कॉपी, फिर हमने इसका चौथा कॉपी हो गया, फिर एक इसका पांचवा कॉपी। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाले जो कंस्ट्रक्ट है इसमें हमारे पास चार हमारे पास मेजर्ड वेरिएबल्स है, ऑब्जर्व वेरिएबल्स है, मैनिफेस्टेड वेरिएबल भी बोलते हैं इनको। सेकेंड वाले कंस्ट्रक्ट में हमारे पास तीन है, इसमें हमारे पास चार हैं, और परचेज इंटेंशन में तीन हैं, और परचेज बिहेवियर में हमारे पास तीन मेजर्ड वेरिएबल्स हैं या इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब जरा दोस्तों इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं रोटेट करके। इसको हमने ऐसे लिया, इस वाले को इस तरीके से रोटेट किया, ये इधर आ गया रोटेट होके। अब इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से लिया। अब हमारे पास पहले तो हम कोवेरियंस मैट्रिक्स बना लेते हैं। जो हमारे कोवेरियंस जो मैट्रिक्स बनती है बेसिकली जो एक्सोजीनियस जो वेरिएबल्स है उन्हीं के बीच में कोरिलेशन होगा कोवेरियंस, ये देखिए ये एक्सोजीनियस। ठीक है, और जो उनके साथ डिपेंडेंस रिलेशनशिप है वो होगा एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस वेरिएबल, देखिए ये वाला। तो यहाँ पे ये हमारा जो है रिग्रेशन, ये जो सिंगल हेडेड एरो है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की तरह, ये देखिए ये इसकी तरह काम कर रहा है। ये हमारा हो गया फैक्टर लोडिंग की वैल्यू आ जाएगी, और इसका ये डिपेंडेंस रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में दोनों चीजें हैं हमारे पास, ये तो देखिए इंटरडिपेंडेंस है जो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है, और ये वाला जो है हमारे पास ये डिपेंडेंस रिलेशनशिप है। तो इसमें जो है ए के साथ डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, जबकि मल्टीवेरिएट टेक्निक जो दो तरह की होती है, या तो उसमें आप मल्टीवेरिएट टेक्निक में डिपेंडेंस टेक्निक यूज करिए,
या फिर इंटरडिपेंडेंस, लेकिन स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में हमें ये फैसिलिटी है कि हम एक साथ दोनों को यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस पे इसको जरा ग्राफ को बना रहा हूं, इसमें वैल्यूज वगैरह हम पुट कर दें। देखिए अब मेरे पास जो डेटा है, पहले तो हम डेटा देख ले, डेटा फाइल हमारी कहाँ है, तो ये वाली डेटा फाइल है, टीपीबी का मतलब है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के नाम से हमने ये फाइल रखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये शो होकर आ जाएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, जिससे पूरा वेरिएबल ना आए तो लेवल इंटरफेस प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम लोग, और ये मिसलेनियस से, और यहाँ से हमने डिस्प्ले वेरिएबल लेवल हटा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये इसको डिसलेक्ट कर देते हैं, ये वाला है 81, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए ये जो वेरिएबल है ये 81 नाम है इसका, एटीट्यूड का दूसरा इंडिकेटर, तीसरा इंडिकेटर, चौथा इंडिकेटर, ये सब्जेक्टिव नॉर्म का है। इसको बड़ा आसान है, देखिए ये मुश्किल से 5 मिनट में हम लोग जो एमोस ग्राफिक पर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल की डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है, बस यहाँ से हमें ड्रैग करके लाना और यहाँ पर ड्रॉप करना है। ये देखिए ये हमने ड्रैग किया और इसको ड्रॉप किया। अब आ जाते हैं बाकी परचेज इंटेंशन के, ये 1, दूसरा, इसके बाद देखिए इसको हम 2, और तीसरा इंडिकेटर है इसका ये PI 3। अब बचे परचेज बिहेवियर के, PB ये 1, चलो यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे ये 1 हो गया, और ये PB परचेज बिहेवियर 2, और ये परचेज बिहेवियर ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। एक तो हमने ये बना लिया, अब हमें जो एरर वेरिएंस है, देखो एक तो एरर वेरिएंस टर्म हमारे इंडिकेटर के होंगे, और दूसरे होंगे हमारे पास जो एंडोजीनियस कंस्ट्रक्टर, तो इसके लिए हमने यहां से ऐड किया 1 और ये दूसरा, ठीक है। अब हम इसके नाम दे दें, जैसे हमने पिछली बार भी अपने डायग्राम में बनाया था। ये देखिए जैसे हमारे पास ये भी सारी वैल्यूज रखी हुई हैं, सारे जो वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें से हमने लिया पहले एटीट्यूड, तो इसको हमने कॉपी किया या वहां पर जाके मैन्युअली हम लिख भी सकते हैं। ये हमने यहां से लेके, ये पहला एटीट्यूड का क्वेश्चन है, इसको हम यहां से इनएक्टिव कर देते हैं। हम यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज में जाकर यहां पर हमने लिखा, ये आ गया एटीट्यूड, ठीक है, ये कुछ और आ गया, इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं एटीट्यूड। जो एटीट्यूड का स्केल है हमारा, उसमें से केवल हमने लिया है अभी एटीट्यूड, देखिए ये कट गया है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहां पर इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आ गया एटीट्यूड, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर, अच्छा एक गलती की हमने, देखी सारे के सारे आ रहे हैं, गलती क्या हुई हमसे, ये जो हमने व्यू किया था और इंटरफेस में मिसलिनियस, ये है डिस्प्ले वेरिएबल नेम, है ना, तो ये हमें यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए ठीक है, पहला वाला है हमारे पास, इसका जो नाम है वो है एटीट्यूड, एटीट्यूड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसका जो साइज है, थोड़ा सा चाहे तो हम छोटा भी कर सकते हैं, वैसे तो इसमें आ रहा है, और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं 14, ठीक है ना, बाप की जो हम लेंगे तो उसमें जिससे प्रोपोर्शनेटली वो सारी वैल्यूज आ जाए। दूसरा वेरिएबल है हमारे पास सब्जेक्टिव नॉर्म, ये जो कंस्ट्रक्ट है बेसिकली, ये कंस्ट्रक्ट जिसे हम लेटेंट वेरिएबल भी कहते हैं, और ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये वाला इधर आ गया, ठीक है। अब इसको हमने, इसका जो साइज है सब्जेक्टिव नॉर्म का, सब्जेक्टिव नॉर्म का हमारे पास जो साइज है इसको हमने कर लिया 14 में आ गया, ये हमारे पास गलत हो गया, इसको हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं एटीट्यूड, ये हमने लिख दिया। तीसरा जो है हमारे पास वो है परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, जो हमारा वेरिएबल है परसीव्ड, ठीक है, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, उसको लीजिए यहां पर हम लिख देंगे
परस्यूड बिहेवियर और कंट्रोल, ठीक है, ये हमने यहां पर टाइप कर दिया कंट्रोल। इसको जो है हम 14 पे लेकर आएंगे, ये 14 पर आ गया। इसके बाद है हमारे पास परचेज इंटेंशन, यहां हमने परचेज इंटेंशन लिखा, परचेज इंटेंशन इंटेंशन ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको भी हमने 14 के फॉन्ट साइज में ले लिया, ये देखिए 14 का जो साइज है, और इसको 14 के साइज में देखिए ये हमने यहां पर ले लिया। और जो हमारा लास्ट है वो है परचेज बिहेवियर, परचेज बिहेवियर, बिहेवियर परचेज बिहेवियर, ठीक है। ये परचेज बिहेवियर हमारे पास आ गया, इसका भी हम फॉन्ट साइज ले लेते हैं 14, ये भी देखिए 14। तो दोस्तों ये तो देखिए हमारे पास आ गए। अब एरर टर्म हमारे पास लिखने हैं, ये जैसे पहला वाला है, ठीक है। तो पहला वाला जो एरर टर्म, यहां पर इसको लेकर आएंगे और यहां पर हम लिखेंगे E1, ये E1 साइज थोड़ा सा छोटा कर दें, साइज हमने इसको 12 किया। फिर दूसरा है E2, ये आ गया आपके पास E2 को भी हमने 14 में लिया, पहला वाला भी 14 ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला है हमारे पास E3 ये आ गया E3 भी 14 में। फिर E4 ये भी 14 में आ गया। थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के सुनना है बस, ये देखिए प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं हम। और ये आ गया E5 में हमने इसको इधर लिया, E6 इस तरीके से हमें पूरे अपने जो हैं 17 plus 2 19, E7 जो है इसको हमने कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, E7 आ गया हमारे पास, ये E7, यहाँ E8 ये लेंगे हम लोग, E8 इसको हमने यहाँ पर 8 किया, और फॉन्ट साइज 14, E9 किया हमने। 9 के बाद जो है ये देखिए E9 हमारा है 14, फिर E10 आ गया हमारे पास, ये देखिए E10 14 पे ही है। E11 ये फिर हमने लिया E11 इसका भी जो है डायग्राम, E12 आ गया, E13 के बाद हम लेंगे E14, ये जो है E14 साइज इसका जो है फॉन्ट का वो भी 14, फिर यहां पर E15 आ गया। और इसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे, जब मॉडल हमारा पूरा बन जाएगा फिर हमें एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले ये तो बनाना हमें बहुत जरूरी है, जब ये सारे वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे, चाहे वो एरर टर्म हो या बाकी के हैं, तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक ये हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा डायग्राम, तब तक हम इसमें स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग नहीं लगा सकते। तो ये देखिए 17 ये आ गया। और इसके बाद जो है दो हमारे एंडोजीनियस के हैं, उनको हम और ले लेते हैं, ये देखिए इसको हम 20 दे देते हैं, या इस ऐसे करते हैं इसको 20 इधर दे देते हैं, लास्ट वाले को 21, ये 20 आ गया। और ये दूसरा जो है इसमें
21। तो दोस्तों एक तो ये सबसे पहले हमें ये अपना जो जो ग्राफ है वो हमने बना लिया है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का। अब क्या करना होता है हमें, इसमें से डेटा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फाइल। तो ये हमारे पास फाइल है 300 की, ठीक है, ये फोल्डर है हमारे पास, उसमें से हमने ये फाइल लिया, ओके किया। ओके करने के बाद एनालिसिस प्रॉपर्टीज में देखिए, इसमें एस्टिमेट्स मीन्स एंड इंटरसेप्ट भी आप निकाल सकते हैं एस्टिमेट, और चाहे तो ना भी निकालें, इसके भी ज्यादा हमें डिजायर नहीं है। स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स निकालें और फैक्टर, स्कोर, वेट, इन तीनों चीजों की ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी। और फिर इसके बाद फाइनली हमने इसको मॉडल को रन कर दिया। रन करने के बाद ये सेव करने के लिए हमसे कह रहा है, हमने टीपीबी और इसके साथ हमने किया SEM, ठीक है, और इसको हमने डेस्कटॉप पर सेव किया। तो ये सेव हो गया डेटा। अब देखिए डेटा सेव होने के बाद हम इस, ये दो फॉर्म हमारा अनस्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, ये देखिए स्टैंडर्ड में फिर इसका हमने वैल्यू देखी, ठीक है, ये देखिए इनका रिलेशन, रिलेशन, ये रिलेशन आ गई जो हमारी चार हाइपोथेसिस थी, जिसमें दो तो एक्सेप्ट हो रही है और दो हमारे रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, चारों के चारों भी एक्सेप्ट हो सकती है। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, और अगर हम अनस्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तब हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी, और इसको कॉपी करके हम सीधा अपने वर्ड की फाइल में इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल जो सवाल है पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब दोस्तों इसका अब इंटरप्रिटेशन हमें करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेबल आई है फिर हम उनके बारे में समझेंगे कि ये जो रिकर्सिव मॉडल क्या है, वेरिएबल व्यू क्या है, पैरामीटर, एस्टिमेट्स, मॉडल फिट, ये सब हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम इसका जो इंटरप्रिटेशन है सेकंड पार्ट में इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।